आज की इस हमारे वीडियो से आप सबको बहुत सारे यूनिक और इंटरेस्टिंग गेम्स के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि यूनिक किलर मोबाइल गेम, बॉक्सिंग स्टार पीवीपी मैच 3, इन्फिनिटी निके का माइलस्टोन, ड्रीम लीग सॉकर 2025 सीजन, मोबाइल लेजेंड गेम का नया अपडेट, डिएब्लो इमोर्टल का नया कोलाब, डेस्टिनी चाइल्ड गेम अब फिर से रिटर्न करने वाला है, और इस वीडियो का आखिरी अपडेट होगा नेवरनेस टू एवरनेस का फर्स्ट बीटा रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी अपडेट मिस नहीं करना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली हर अपडेट एक से बढ़कर एक तो होगा ही, लेकिन उससे पहले रीति रिवाज को फॉलो करते हुए अगर ये वीडियो कहीं भी आपको पसंद आ जाए फटाक से दबी लाइक ठोक देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी लगे हाथों सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह से डेली अपडेट वीडियो और कहीं नहीं यही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक यूनिक गेम से जिसका नाम ही यूनिक किलर है, जिसे बहुत ही जल्दी हम अपने iOS और Android डिवाइसों में खेल पाएंगे, जो एक मल्टीप्लेयर शूटर टाइटल होगा हम सब के लिए, जिसका कोर गेम प्ले बताया जा रहा है फर्स्ट फेस बैटल। नवंबर मंथ के एंड में बताया जा रहा है कि इसका क्लोज बीटा रजिस्ट्रेशन जो है शुरू होने वाला है। अब कब शुरू होगा इसका एक्चुअल डेट तो सामने नहीं आया है, और ऊपर से गेम कैसा होगा, गेम खेलने में मजा आएगा या फिर नहीं, इसके बारे में भी तो हमें पता लगाना है। लेकिन कुछ डिटेल जो है गेम के बारे में जरूर आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है फास्ट फेस बैटल आप इसमें कर पाओगे, दोस्तों के साथ भी शायद इस गेम को हम खेल सकेंगे। गेम को बना रहे हैं हाइपर जो गेम्स, लेकिन इस गेम में एक कमी होगा, वो है टॉप डाउन कैमरा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इससे काफी सारे दोस्त डिसअपॉइंट हो जाएंगे और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो गए इस गेम के लिए। लेकिन उसको साइड में रख दे तो हर कैरेक्टर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। जी हाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स भी इसमें होंगे, उसे यूज करके आपको शूटिंग वगैरह करना होगा। तो देखते हैं आगे जाके कब ये गेम रिलीज होता है, और रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होगा उसके बारे में किसी न किसी अपडेट वीडियो में आपको जरूर बता देंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। तो इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरे अपडेट की तरफ, जो आ रहा है बॉक्सिंग स्टार फ्रेंचाइज से। अगर आपको इनके गेम्स खेलना पसंद है तो शायद इस गेम को आप प्री रजिस्टर करना पसंद करोगे, लेकिन टिपिकल जो हम बॉक्सिंग स्टार गेम खेलते हुए आए हैं ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग होगा, जो काफी सारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा। थंब एज को लिमिटेड ऑब्वियसली इसको पब्लिश करने वाले हैं, जिसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है हमारे प्ले स्टोर पे शुरू हो चुका है। इसका टाइटल रखा गया है बॉक्सिंग स्टार पीवीपी मैच 3, और नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि गेम में हमें बेसिकली क्या करना है। जी हाँ, कैंडी क्रश जैसा ही आपको इस गेम को खेलते हुए एंजॉय करना पड़ेगा, लेकिन बॉक्सिंग स्टार फ्रेंचाइज के अंदर आता है, मतलब जितने भी सारे कैरेक्टर के बारे में आप जानते हो या फिर यूज भी किए होंगे दूसरे दूसरे गेम में, उन सबको इसमें यूज कर पाओ। अभी तक जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं इसके रिलीज डेट को लेके कुछ भी अपडेट नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, आपके सर्च रिजल्ट पे आ जाएगा, तो वहीं से आप रजिस्टर भी कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट अपडेट जो है उसे सुन के थोड़ा बहुत खुश तो जरूर हो जाओगे, क्योंकि आ ही रहा है इन्फिनिटी निकी गेम से, जिसे टोक्यो गेम शो में शोकेस किया गया था, और इसका क्लोज बीटा टेस्ट जो है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ये एक ड्रेसअप गेम है जो अभी फिलहाल ओपन वर्ल्ड एडवेंचर के नाम से हम जान पाएंगे, और इसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख पा रहे हो। तो रिसेंट जो इस गेम को लेकर अपडेट निकल के आए हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इस गेम ने 30 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका ग्लोबल बीटा टेस्ट जो है बहुत ही जल्दी iOS और Android के लिए शुरू होने वाला है। और अगर आप इस गेम को रजिस्टर अभी तक नहीं किया हो तो फटाफट से कर लो, क्योंकि ग्लोबल लॉन्च के बाद बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स भी आप ले पाओगे, जैसे कि 50,000 ब्लिंक, 300 ऑफ प्योरिटी, 20 रेजोनेट क्रिस्टल और 4 स्टार का एक आउटफिट, और गिफ्ट भी मिलेगा लॉन्च के बाद। मतलब ये जो 30 मिलियन का रजिस्ट्रेशन इन्होंने कंप्लीट किए हैं उस खुशी में ये सब रिवॉर्ड्स जो है प्लेयर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ओपन वर्ल्ड गेम खेलने में तो मुझे लगता है इन्फिनिटी निकी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, और जब भी इसके क्लोज बीटा टेस्ट को लेके कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो इसी तरह से किसी न किसी अपडेट वीडियो में आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ड्रीम लीग सॉकर गेम को खेलते हो तो आप सबके लिए और भी बड़ा खुशखबरी आने वाला है, क्योंकि रिसेंटली उनकी तरफ से एक टीजर को रिलीज की है जिसमें काफी सारे डिटेल हमें पता चल रहा है कि दिसंबर 2024 में जो गेम में अपडेट आने वाला है उसमें क्या कुछ हो सकता है, जिसे हम शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश करते हैं। पहले इस गेम को बहुत ज्यादा खेलता था, बहुत सारे प्लेयर को भी ग्राफ किए थे, इंडियन जर्सी भी इसमें रिप्लेस किए थे कुछ जुगाड़ लगा के। आपको अगर याद होगा या फिर अभी भी इस गेम में करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं, अगर आप इस गेम को जेन्युइन तरीके से खेलते हो तो आपको बहुत ही जल्दी एक अपडेट मिल जाएगा। उसमें मिलेगा स्टेडियम के अपग्रेडेड विजुअल, कलर स्कीम और बॉल ट्रैकिंग सिस्टम को भी चेंज किए हैं,
और साथ में ब्राजीलियन कमेंट्री भी बताया जा रहा है इस गेम में ऐड हो जाएगा। जो हमें कुछ लेना देना नहीं है इस कमेंट्री से, लेकिन तीन जो चीजें इन्होंने बताए हैं यानी मेंशन की हैं इस टीजर में, उसके लिए थोड़ा बहुत जरूर आप सब एक्साइटेड हो गए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आप क्या ड्रीम लीग सॉकर गेम को खेलते हो अपने मोबाइल डिवाइस में या फिर नहीं। लेकिन मोबाइल लेजेंड गेम को तो जरूर आप सब खेलते होंगे, बहुत सारे दोस्त ग्लोबल वर्जन को खेलते हैं, बहुत सारे दोस्त इंडियन वर्जन को खेलते हैं, लेकिन जो भी अपडेट आता है दोनों गेम में एक साथ आता है। लेकिन फिलहाल जो गेम में अपडेट आएगा 1.9.34 वर्जन वाला, उसमें कुछ चेंजेस जरूर गेम में कर सकते हैं। हालांकि एक एक करके एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते कि क्या कुछ होगा, लेकिन नवंबर मंथ में ये जो अपडेट है रोल आउट हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है रीवैम्पेड ग्रैंगर, शायद हमने सही प्रोनाउंस किया, D100 जो है गेम में आप यूज कर पाओगे, जिसको लेके उन्होंने ट्वीट भी कर चुके हैं जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ होगा कुछ हीरोज के एडजस्टमेंट, जिसमें पहला हीरो आता है शुयु नारफेट जिसे हम जानते हैं, और दूसरा है क्लोडी यानी बूफेट। तो इन दोनों हीरो को एडजस्ट करेंगे और आखिर में गेम के बैटल फील्ड को भी एडजस्ट किया जाएगा। तो देखते हैं कब तक ये अपडेट आता है हम सब के लिए, और ऑब्वियसली ये अपडेट भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा शायद हमारे इंडियन में। तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सा वर्जन खेलते हो, इंडियन या फिर ग्लोबल। लेकिन वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है उस गेम के बारे में हम बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं, जिसका नाम है डिब्लो इमोर्टल, और बहुत सारे दोस्त इस गेम को खेल के एंजॉय भी करते हैं। तो जो भी इस गेम को खेलते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी, क्योंकि नया कोलैबोरेशन जो है इस गेम के साथ होने जा रहा है वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, जो शुरू हो जाएगा 13 नवंबर से और चलेगा लगभग एक महीना यानी 11 दिसंबर तक। तो इन्हीं दिनों के बीच आप बहुत सारे इन गेम कंटेंट जो है एक्सेस कर पाओगे, जिसे आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप देख पाओगे। सबसे पहले लिच किंग को बैटल में चैलेंज कर पाओगे, डेली लॉगिन रिवॉर्ड भी आपके लिए रखा गया है, इटर्नल वॉल और फॉलन किटाडेल क्लास ऑफ सेवियर नाम का इवेंट, फैंटम मार्केट को भी एक्सेस कर पाओगे, और बहुत सारे इन गेम ट्रेजर भी होंगे जिसे आपको अनफोल्ड करना है रिवॉर्ड्स लेने के लिए। तो देखा जाए तो डिब्लो इमोर्टल गेम के लिए काफी बड़ा कोलाब होने जा रहा है जो 13 नवंबर से शुरू होगा। तो जो भी इस गेम को खेलते हैं एंजॉय करते हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे इस कोलाब के लिए। लेकिन कम टू एस के तरफ से एक नया आइडल आरपीजी गेम जो है हम अपने मोबाइल डिवाइस में खेल पाएंगे, जिसका नाम होगा सिप टॉप डेस्टिनी चाइल्ड, जिसे डेवलप कर रहे टिकी टाका स्टूडियो, जो एक सब्सिडियरी कंपनी है कम टू एस का ही, जिसे कम टू एस ही पब्लिश करेंगे। गेम की बात करें तो एक टर्न बेस्ड आरपीजी टाइटल होगा, जिसमें आपको 2D कैरेक्टर्स मिलेंगे रिक्रूट करने के लिए, और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है। अगर आपको याद होगा इसी का ही एक गेम जो है लास्ट ईयर ही शट डाउन किया गया था, तो देखा जाए उसी गेम को फिर से रिटर्न कर रहे एक नए टाइटल के साथ। लेकिन जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं ग्लोबल रिलीज डेट को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन जब भी आएगा किसी न किसी अपडेट वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है, जिसके लिए शायद इस वीडियो को देखने आए होंगे, कि नेवर नेस्ट टू एवेनेस का रजिस्ट्रेशन, जी हाँ पहला बीटा का रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी चल रहा है और ये चलेगा 15 नवंबर तक। ठीक है समरिया, लेकिन अगर आप रजिस्टर करने की सोच रहे हो तो आपके पास होना चाहिए पीसी। जी हाँ पीसी में ही ये पहला बीटा टेस्ट रिलीज होने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज के लिए, जिसमें से पहला है ताइवान, दूसरा है हांगकांग और तीसरा है मकाओ। और ऊपर से गेम के लैंग्वेज समझने में भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अभी के लिए जो गेम है सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा। तो 19 नवंबर को ही जाके पता चलेगा कौन कौन से प्लेयर जो है इस पहले लिमिटेड डिटेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और आप सबको गेम के बारे में तो पता ही होगा, नहीं पता है शॉर्ट में बता देते हैं, फ्री टू प्ले और बैन ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम होगा, जिसका ट्रेलर तो ऑन स्क्रीन आप पहले से ही देख पा रहे हो। तो कुछ इसी तरह से ही गेम का एक्सपीरियंस होने वाला है हम सब के लिए, जिसे हम मोबाइल डिवाइस में भी खेल पाएंगे। तो कम से कम शुरुआत तो हुआ है पहले बीटा टेस्ट के साथ ही, तो आगे चल के मोबाइल के लिए भी बीटा टेस्ट जरूर आने वाला है। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, इंतजार चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि कुछ भी इंटरेस्टिंग अपडेट आते हैं किसी भी गेम को लेके सबसे पहले उसका जानकारी कहाँ मिलेगा, जी हाँ यहीं। तो उसी खुशी में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी लगे तो सब्सक्राइब कर ही लेना डेली इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।